मुझे लग रहा है मुझे एक आंटी लिफ्ट मांग रही, तो फिलहाल मैं इनको बैठा लेता हूँ। बड़ा कुंड जा रहा हूँ, बड़ा कुंड चलो बैठो, बड़ा कुंड जा रहा हूँ मैं बैठ। देखो आज तीसरा दिन है तुम्हारे भाई को यहाँ दूल्हे का कमरा यहाँ सज रहा है, अभी दुल्हन कुछ ही देर में आने वाली है जी, है ना। ये बहुत तंग कर रहे हैं, सिर्फ इनको एप्पल फोन चाहिए जेब में डालने के लिए। 20 साल के बाद गाइस तुम्हारा भाई यहाँ आ रहा है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ठटार का। पुराने टाइम पैदल आते थे हम किसी टाइम, तो आज तो यहाँ गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं। दूल्हे की गाड़ी एक दिन पहले सजती थी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट अभी कुछ बच्चे सजा, दूल्हा तैयार हो चुके हैं, फिलहाल बारात निकल रही है। अब तो शाम के टाइम का आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, लाइटें ही लाइटें चलना शुरू हो चुकी। तो सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, दिस इज फाइंड द अतीक। तो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप अब सब बढ़िया और मस्त होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग शुरू करें हम कुछ ऐसी लोकेशन से, यानी संगलदान बड़ा कुंड से। आज तुम्हारे भाई को यहाँ तीसरा दिन है, तो आज यहाँ से जाने वाली है बारात, तो हम आपको दिखाते हैं गाइस कैसी जाती है बारात। दूल्हे की गाड़ी एक दिन पहले सजती थी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट अभी कुछ बच्चे सजा रहे हैं जल्दी से। सो फाइनली यार अभी हम चलते हैं यहाँ से बारात वगैरह। वो देखो महाराजा भाई आधे चढ़ने वाले हैं घोड़ी पे। ये हमारे ये गाड़ी ये जा रही है, आबिद भाई ड्राइव कर रहे हैं, और आगे शारिक जी बैठे हुए हैं फाइनली, वो दूल्हे की गाड़ी फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की JK19958। सो फाइनली गाइस दूल्हा राजा बैठ रहा है गाड़ी में अभी। शीशा नीचे गाड़ी। सो गाइस वन गाड़ी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो ब्रीजा वगैरह गाड़ी जा रही है। सो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई अभी रेस्ट कर रहा है, बारात वगैरह चले गई है। हमारे से अयान जी हैं, और ये कौन है, अहमद जी, और ये नादू हादू गाइस, ये डिजाइनर है। किस चीज़ की, मेहंदी की डिजाइनर है तू? Yes. नहीं गाइस मेहंदी की डिजाइनर नहीं, ये गाड़ी बुरे से जाती है शादी शुदी की। तुम्हारा भाई अभी निकला ठटार का, फर्स्ट टाइम जा रहा है वहाँ, बचपन में जाता था, अचानक प्लान बन गया जाने का। मैंने गाइस तुम्हारा भाई आज गाड़ी चला रहा है केवी की, और फाइनली अभी निकल रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम निकल रहा है ठटार का, तो आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। भाई रोड का तो बुरा हाल है यहाँ, आज तुम्हारा भाई 5-6 साल के बाद यहाँ आया गुल सिंगलदान, तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। मेरे सामने पहाड़ लदे हुए हैं बर्फ़ से यार, वो भाई व्यू देखो यार। तो गाइस कमेंट्स करके बताना कौन कौन मिस कर रहा है बर्फ़ को। रोड का तो बुरा हाल है यहाँ, खड्डे पे खड्डा, खड्डे पे खड्डा, गाड़ी का बुरा हाल हो चुका है। गाड़ी आई है कुछ होलसेल का सामान बेचने के लिए गाँव में, 150 रुपये सेल। वाह खड्डा नॉर्मली 2-2, 3-3 फुट का खड्डा, ये देखो आप क्या गाड़ी चलाओगे आप। कैसा ग्राउंड मिला है यहाँ, बच्चे कुछ खेल रहे हैं क्रिकेट वगैरह। हमारा भाई भी पैदल चल रहा है यहाँ से, गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दिया, ये हाई सेकेंडरी ठठार का। 20 साल के बाद गाइस हमारा भाई यहाँ आ रहा है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ठठार का। पुराने टाइम पैदल आते थे हम किसी टाइम, तो आज तो यहाँ गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं। इंजॉय आ चुका है, मक्खन वगैरह रोटी वगैरह आ चुकी है, आप देखें यार वो भाई साहब। तुम्हारे भाई का ब्रेकफास्ट अभी नॉर्मली 1 बजे हो रहा है, 1 बजे है। गाइस आबिद भाई तो है ही नहीं, हम उनके मामू के घर, सादिक मामू घर आए हुए हैं, तो यहाँ चल रहा है गाइस लेज़ और जूस। गाइस हमारा भाई निकल चुका है यहाँ से ठटारका से। यार यार थोड़ा जल्दी में हूँ ना, आपको मैं सिटी वगैरह नहीं दिखा पाया, यहाँ का जो सिटी है गाइस, गाँव में होटल खुले हैं भाई साहब, इतने लोग यहाँ के ना डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब क्योंकि ये सब एरिया ना ट्रेन में आ चुका है, यानी रेलवे में आ चुका है। हमारे भाई ने वो गाड़ी की थी पार्क के वी, तो फाइनली निकल रहे अभी हम यहाँ से जल्दी से। हमारा भाई ना ठटार का मैं किसी को छोड़ने आया था, यानी आबिद भाई के ना मामी वगैरह को छोड़ने आया था, तो सोचा कि यार अब मैं दिखाई दूँ आपको बाजार वगैरह, टाइम तो नहीं है। फाइनली देखता हूँ यहाँ का बाजार कितना बड़ा है और क्या क्या है यहाँ। शायद तुम्हारे भाई की एंट्री हो चुकी है, शायद ये ठटार का बाजार मुझे ये लग रहा है फिलहाल। हैदराबाद फास्ट फूड वगैरह यहाँ मिल जाएगा। नीचे हाल नहीं है जाने का, गाड़ी गाइस नहीं जाएंगे हम यहाँ से यार, वापस गाड़ी मोड़ते हैं यार, किसी की गाड़ी है रास्ते में, किसी भैया ने दे दिया यार, किसी का SBI का ATM है, सुरुंडा में देना है। यार तुम्हारा भाई फर्स्ट टाइम आया और किसी ने अपना ATM इधर हाथ में दे दिया है। भाई यहाँ का व्यू देखो गाइस, ये है ठठार का यार, कितना यार इलाका देखो ना कितना बड़ा, मतलब ऊपर से घर शुरू है, वहाँ से लेके गाइस ये पूरे घर हैं, ऐसा लगा कि कोई पहाड़ पूरा बिछ चुका है नीचे। भाई साहब व्यू चेक करो यार, कसम भाई क्या बताऊँ यार, दिस इज ठठार का। और ठठार का व्यू देखो गाइस आप, कितनी कितनी शॉप्स वगैरह बन चुकी हैं, बिल्डिंग यहाँ, पहले जंगल था, तुम्हारा भाई ना पैदल आया इधर।
मुझे लग रहा है मुझे एक आंटी लिफ्ट मांग रही, तो फिलहाल मैं इनको बैठा लेता हूँ। बड़ा कुंड जा रहा हूँ, बड़ा कुंड। चलो बैठो, बड़ा कुंड जा रहा हूँ मैं। बैठो बैठो, होतन बैठो। अरे बैठो ना होतन। तो गाइस आंटी कह रही होतन। सो फाइनली गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस ठठारका से। ठीक है जा फिर, इसके अल्लाह के हवाले है। मैंने यहाँ तक छोड़ दिया ना, मैं क्या करूँ अब। आंटी किराया दे रही थी, हमने क्या करना, किराया क्या करना है हमने। आप जाओ बस, ऐसे लोगों की गाइस दुआ लो आप, ऐसे लोगों की दुआ लोगे, गरीब लोगों की दुआ लोगे, पहाड़ी लोगों की दुआ लोगे ना गाइस, कहीं से कहीं पहुंच जाओगे आप। यार पहुंच चुकी है बड़ा कुंड, तुम्हारे भाई ने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। फिलहाल चलते हैं यहाँ से ऊपर। ये देखो मस्जिद, ये मामू की सब घर है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बड़े मामे की, छोटे मामे की, तीन मामू गाड़ियाँ लगी हैं। गाइस तुम्हारे भाई को आज तीसरा दिन है यार शादी वाले घर में, तो आप देख सकते हैं लड़कियाँ सिर्फ मोबाइल पर लगी हैं, हमारे व्लॉग को देख रही हैं, इंस्टाग्राम पर रील वगैरह देख रही हैं। और अहमद जी जी है ना, ये बहुत तंग कर रहे हैं, सिर्फ इनको एप्पल फोन चाहिए जेब में डालने के लिए। इलियान के काफी बड़े सब्सक्राइबर हैं, फैन है ना, बिग फैन हो तुम इलियान के। तो सो फाइनली गाइस ये देखो आज तीसरा दिन है तुम्हारे भाई को यहाँ दूल्हे का कमरा यहाँ सज रहा है। अभी दुल्हन कुछ ही देर में आने वाली है, यहाँ बैठेगा दूल्हा और यहाँ बैठेगी उसकी दुल्हिया। तो शाम के टाइम का आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, लाइटें चलना शुरू हो चुकी है गाइस। तो सो गाइस कमरा तो बिल्कुल सज चुका हुआ, सिर्फ इंतजार है दूल्हा और दुल्हन का। देखो यार छोटी सी लड़कियों ने कितना प्यारा सा सजाया रूम को। तो शाम का यार टाइम पता क्या हो चुका है, सुबह की बारात गई है 10 बजे की, टाइम 6 बज चुके हैं, अभी तक बारात नहीं आई। तो सो फाइनली गाइस अभी पहुंची है बारात, सुबह की गई है और अभी बारात आई है, बारात जानी थी गोल, फाइनली आ चुकी है फॉर्च्यूनर 9588। बच्चे सामने खड़े हो गए वेलकम करने के लिए। किसकी बारात आई है, तुम्हारी बारात आई है। सो गाइस आ चुकी है दुल्हन, दूल्हा तो पीछे रह चुका है, ये है दुल्हन यानी हमारी मामी। काफी रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है यार। सो गाइस बाथरूम में एक लड़का फंस चुका है यार, रो रहा है बेचारा। भाई कैसा महसूस हो रहा है, छोटे भाई क्या हुआ। भाई यार बाथरूम में एक छोटा बच्चा वॉशरूम में फंस चुका है यार, अब कैसे निकालें गाइस, कुंडी नहीं खुल रही है। सो देखते हैं कुछ जुगाड़ लगाते हैं यार, डरना मत, पानी पी। यार फंस चुका है गाइस, चलो भाई खुल गई यार, बाहर आ गए तो नई जिंदगी मिल गई गाइस, बाथरूम में बंद हो चुका था यार ये। बारात आ चुकी है, डिनर अरे भाई की शिफ्ट लगी है गाइस, यानी तुम्हारे भाई को काम मिला चावल देना। ये देखो आप चेक कर सकते हो, तुम्हारा भाई चावल दे रहा है शादी में, मिले हमें दूल्हा राजा जब से आए हुए हैं। ये देखिए भाई कैसे हमारे यूट्यूबर है, हमारे बहुत ही यूट्यूबर गाइस, ये पट महाराजा बन के गए हुए थे आमो भाई, बढ़िया। नादू तीसरी बारी खा रही है, तो गाइस अभी दूल्हे की हो रही है सेवा, इनको खाना खिलाया जा रहा है, ये हमारी नानी इनको खाना खिला रही है, ये इनकी अम्मी है दूल्हे जी की, ये हमारी नानी है, ये इनकी पुफी जी यानी बूजी। अरे भाई को नॉर्मली 3 घंटे हो गए चावल बांटते गाइस, बुरा होता है शादी में, कमेंट्स करना कि किस किसने शादी में काम करवाया या नहीं करवाया। एहतिशाम भाई हैं इंशाल्लाह, ये IAS अफसर बनेंगे, बहुत अच्छे सलाहमंद हैं। यखनी है गाइस, उसके बाद कुआ वगैरह है, रोगन जोश काफी कुछ बना हुआ। शादी बड़ी सर्दी हो चुकी है, तुम्हारे भाई ने गर्म टोपी वगैरह लगा दी है, बड़ी दिक्कत और बड़ी मुशक्कत के बाद अभी हमें यहाँ खाना मिल रहा है। मज्जा भाई काफी उन्होंने यार हमारी खिदमत वगैरह की, हमारी नहीं की, जो शादी में लोग आए थे यहाँ बड़े बड़े पकवान, बड़े बड़े पतीले लगे हुए थे गाइस। ये देखो ये सब जो लगे थे खाना बनाने के लिए आ चुके हैं, अभी हम यहाँ ओपन गाइस आग के पास खाएंगे अब डिनर, गरम गरम रिश्ते कबाब। कौन ये हमारे नानू जी हैं, इनकी डैडी लग गया इनका गाइस यहाँ, बहुत ही मतलब वो क्या बोलते हैं, टोरा बहुत है यार। मज्जो भाई तुम क्या देख रहे हो। आज के हमारे जो खाने के कुक थे ना, ये हमारे मामू जी हैं, इन्होंने पूरा खाना बनाया, कबाब रिश्ते सब कुछ, यखनी रोगन जोश सब वैरायटी इन्होंने बनाई है, फेमस कुक हमारे यहाँ गुल सिंगल दान के नाम का अयूब मलिक। अच्छा अब हम घुसने वाले हैं गलैनी में खाना खाने के लिए।
सबसे पहले हमारे लिए सलाद आ चुका है गाइस, आप चेक करें ये देखो। तो ये लोंडे सब ना काम में लगे हुए थे, शादी के काम में लगे हुए थे यार। तो चूंकि हम खाने के इंतजार में, लेकिन अब ये पता नहीं हमारे लिए खाना कौन लाएगा बाहर से। जितने लड़के काम करने को लगे थे सब बैठ चुके हैं, अब खाने का इंतजार है। को तो बड़ी मुशक्कत के बाद प्लेटें पहुंची हैं, अभी खाना पता नहीं कब पहुंचेगा। कबाब रिश्ते बिना खा के अभी हमारा फोटो शूट वगैरह चल रहा है कि 40 मिनट हो चुके हैं गाइस। तो फिलहाल अभी यहाँ काम खत्म हुआ है, तो तुम्हारा भाई अभी जाएगा रेस्ट करने यार। रात के 12 बज चुके हैं, ये 12 बज रहे हैं, अभी तक तुम्हारा भाई जागा हुआ है। तो आज तुम्हारे भाई का 3 दिन से गाइस यहाँ ही स्टे है, वो ऊपर वाले 3rd फ्लोर में तुम्हारे भाई का स्टे है। ये 1st फ्लोर, ये 2nd फ्लोर, ये 3rd फ्लोर, ये पार्क वगैरह है। तो यार क्या बताऊँ कितना बुरा हाल हुआ शादी में, काम करवा करवा के तुम्हारे भाई को ना टांगों में दर्दें हो चुकी हैं। तीसरे फ्लोर में जहाँ तुम्हारा भाई के 3 दिन से स्टे है, रात के देखो टाइम के बराबर 12 बज चुके हैं। तो अभी तक हम बिजी थे शादी में। भाई की लुक चेक करो, भाई ने कोट वगैरह पहना हुआ था, सर्दी काफ़ी, टोपी वगैरह लगा दी थी।